फिरोजाबाद तपती धूप में नगर विधायक मनीष असीजा ने स्वयं की मौजूदगी में चंद्रवार गेट पुलिया का ब्लॉकों को अंदर किए जाने का कार्य पूर्ण कराया। इस दौरान दो पोकलेन मशीनों से लगभग 7-7 फीट की लंबाई एवं चौड़ाई के 3 फीट गहरे 2 गड्ढे खोदकर उसमें लकड़ी के स्लीपरों के बंधे हुए गट्ठरों को बैठा दिया गया। इन गट्ठरों को क्रिप कहा जाता है। तत्पश्चात पहले 65 फीट लंबाई के विशाल 2 गार्डर पर कसी हुई रेल की पटरियों को विशालकाय क्रेन से उठा इसके दोनों सिरों को क्रिप के ऊपर सेट करते हुए कटे हुए रेल पटरी के हिस्से को अस्थायी रूप से बिछाया गया। उक्त कार्य के दौरान पटरी को साइज में बैठाने के लिए कटर चला कर काटा गया, पटरी को जैक लगाकर ऊंचा नीचा करा गया, खाली स्थानों पर गिट्टी भरवाई गई और पटरियों के निचले किनारों को ग्रीस लगाया गया। नगर विधायक मनीष असीजा ने बताया कि कल दोबारा डाउन लाइन में इस प्रक्रिया को दोहराते हुए लाइन को बदला जाएगा। इसके पश्चात 100 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी मात्र 3 मीटर चौड़ाई की पुलिया को तोड़कर नई ढाली गई 4.5-4.5 मीटर चौड़ाई कुल 9 मीटर चौड़ाई की पुलियों को एयर प्रेशर जैक से फिक्स करा जाएगा। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। दोपहर में तो मजदूर थोड़ा मजदूर चला रहा है, फावड़ा मजदूर चला रहा है, हम तो केवल इनके साथ खड़े हैं, बस इतना ही है। बाकी ये जो काम है, ये आपको पता है ना, 3 मीटर की पुलिया थी, इसको चौड़ा करके 9 मीटर का करवा दिया है। अब वो सामने देखो, उधर कैमरा मोड़ के वो बक्से ढले हुए हैं। अब ये बक्से इसके अंदर घुसेंगे, अंदर घुसने के लिए ये जो रेलवे का ट्रैक है यह 2.5 घंटे रोका गया है। अप लाइन में ये लकड़ी के गट्ठर है ना, ये वाला सामने लकड़ी के गट्ठर, ऐसे ये गट्ठर अभी आप देर से आए हैं या खोद के दबा दिए गए। इसके ऊपर पहले से कसा कसाया रेलवे के लांचे से, ये देखो वो देखो वो सामने जी रही हो गाटर पे जी जी, ऐसी की ऐसी। कल ये डाउन लाइन पे होगा काम, इसके बाद क्या होगा, नीचे की जो पुलिया है ये खोद दी जाएगी, जगह खाली हो जाएगी, फिर नीचे उसमें प्री कास्ट पहले से ढले हुए बड़े बड़े स्लैब डाल दिए जाएंगे। उसके बाद स्लैब के ऊपर लोहे की प्लेट और ग्रीस लगाकर ये जो बक्सा है ये बक्सा धकेला जाएगा ऐसे करके हाइड्रोलिक प्रेस से। जब ये अंदर घुस जाएगा तो वो दूसरा देख रहे हो, दूसरा बक्सा उधर दिखाओ ना, कैमरे से दिखाओ उसे, हाँ अभी इधर देखो, फिर दूसरे बक्से को फिर ऐसे कर दिया जाएगा और ऐसे आगे सरका दिया जाएगा। समझ में आया ना, तो इससे ये फिर पुलिया तैयार हुई। लाखों लोग इधर 3 मीटर का छेद, 9 मीटर चौड़ाई, 2 हिस्सों में हो जाएगी, आने की अलग जाने की अलग। इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र के लोगों को होने वाली कठिनाई में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। 100 साल पुरानी पुलिया है, रेलवे विभाग के लोग, ठेकेदार, इंजीनियर, मजदूर, जनता, प्रशासन, सब लोग इसमें अपना अपना हिस्सा दे रहे हैं, सम्मानित मीडिया भी दे रही है। कोई काम अकेले करने से नहीं होता, सबके मिले जुले प्रयासों से जब ये काम हो जाएगा तो आने वाले सैकड़ों साल तक यहाँ के लोगों के लिए सुविधा